वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कुमार संभव जैन और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। कहा जाता है नवरात्र की पूजा अगर देखनी है तो कोलकाता जाइए। ऐसे में टीम जनसत्ता पहुंच चुकी है कोलकाता। यहाँ माता के भवन बहुत सुंदर तरीके सजे हुए हैं और हम अब आपको माता के भव्य भवनों की ओर ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम मची है। कोलकाता में जगह जगह माँ दुर्गा के पंडाल सजे जो किसी न किसी थीम पर हैं। कोई पंडाल रेडिएशन से पक्षियों को होने वाले नुकसान की जानकारी दे रहा है तो किसी में पानी का महत्व बताया गया है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर भी दुर्गा पंडाल के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की गई है। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही टॉप 5 पंडाल्स के बारे में। यह है बारिशा क्लब पंडाल, जिसे साउथ कोलकाता के बारिशा क्लब ने तैयार किया। यह पंडाल अपने आप में खास है। इस पंडाल की थीम रेडिएशन से पक्षियों को होने वाले नुकसान पर। पंडाल के बाहर आर्टिफिशियल मोबाइल टावर बनाया गया है, जिसके चारों ओर 2G, 3G, 4G और 5G के एंटीना लगे हैं। पंडाल का सेंटर पॉइंट माँ दुर्गा की मूर्ति है, जिनकी शरण में रेडिएशन से परेशान लाखों पक्षी दिखाए गए। त्रिधारा सम्मिलनी पंडाल भी साउथ कोलकाता में है। त्रिधारा की मीडिया कोऑर्डिनेटर गार्गी मुखर्जी ने बताया कि उनकी समिति 73 साल से माँ दुर्गा के पंडाल सजा रही है। इस बार पंडाल की थीम दृष्टिकोण यानी कि नजरिया है। उन्होंने कहा, हम समाज को जिस तरह से देखते हैं वह वैसा नहीं होता। पंडाल में नारी की छवियाँ दिखाई गई हैं जो धीरे धीरे माँ दुर्गा में बदल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हर नारी माँ दुर्गा का रूप होती है। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो यह आपको ज़रूर नजर आएगा। इस बार का भावना जो है वो है दृष्टिकोण, यानी नजरिया या पर्सपेक्टिव। हम लोग जैसे देखते हैं समाज वैसे बनते हैं। आप जब मंडप में आएंगे तो आप दिखोगे बहुत सारे नारी मूर्ति की छवि है। वो जैसे जैसे आप माँ की तरफ बढ़ोगे, ये सारे नारी जो है वो दुर्गा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हर नारी के अंदर दुर्गा बसते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपको दिखेगा और समाज भी सुस्त और बहुत अच्छा भी बनेगा। कोलकाता में कालीघाट मेट्रो स्टेशन के पास इगडालिया एवरग्रीन क्लब है। इस क्लब ने इगडालिया पंडाल बनाया है, जिसकी थीम जल संरक्षण पर है। पंडाल के बाहर ही सेव वाटर सेव लाइफ की पंचलाइन लिखी है। इसमें वाटर ड्रॉप और ग्लोब की मदद से पृथ्वी को पानी की जरूरत समझाई गई है। इगडालिया पंडाल की मूर्ति हर साल देश के किसी न किसी मशहूर मंदिर की रेप्लिका होती है। साउथ कोलकाता स्थित खिदिरपुर 25 पल्ली पंडाल को इस बार भी सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल चुना गया है। इस पंडाल की थीम भी जल संरक्षण है। पंडाल के आयोजकों ने बताया, दुनिया भर में जल संकट है, भूजल धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, प्लास्टिक का इस्तेमाल इस खतरे को बढ़ा रहा है। इसके चलते पंडाल में देवी को कलश रूप में दिखाया गया है। नॉर्थ कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर पर बना दुर्गा पंडाल इस वक्त मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। यहां माँ दुर्गा की मूर्ति की साज सज्जा में करीब 50 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पंडाल में माँ दुर्गा की साड़ी भी सोने की बनाई गई है।
आयोजकों के मुताबिक ये पंडाल करीब 200 कारीगरों ने 2.5 महीने में तैयार किया। कोलकाता के मशहूर दुर्गा पंडालों में बांग्ला स्टार भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान थम्सअप के तूफानी गैंग के साथ बांग्ला सुपरस्टार अबीर चटर्जी और एक्ट्रेस प्रियंका सरकार बाइक की सवारी करते नजर आए। वे अलग अलग पंडालों में पहुंचे और मां दुर्गा की आराधना की। अबीर व प्रियंका को एक साथ देखकर उनके फैंस बेकाबू नजर आए। इस दौरान लोगों ने दोनों कलाकारों के साथ जमकर सेल्फी भी ली। कोलकाता की दुर्गा पूजा और दशहरे से जुड़े बाकी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनसत्ता।